तो गाइस काफी समय पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप गूगल एड्स से कैसे वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। तो उस वीडियो के रिलेटेड ना मुझे एक कमेंट आई, मतलब मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि उसको ना प्रॉब्लम हो रही है गूगल एड्स से वीडियो अपलोड करने में। उसने एक वीडियो तो प्रमोट कर लिया है लेकिन अगला वीडियो उसको प्रमोट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसे यार कुछ 5 वीडियो और एड करने के लिए बोल रहे थे। तो आज मैं उसी को सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं एक वीडियो को प्रमोट करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे अगला वीडियो प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपना गूगल एड्स खोल के रखा है, तो इसका ना कुछ इंटरफेस चेंज हो गया। ये ना इंटरफेस हर वक्त बदलता रहता है, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उस भाई को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसका पेज ना हर वक्त अपडेट होता रहता है, मतलब साल में तो कई बार अपडेट हो जाता है, कुछ नए नए फीचर्स आते हैं। लेकिन जो सिंपली आपको चीजें चाहिए ना जिससे कि आप एड रन कर सकते हो, वही आप जान लो आपका मतलब सारा काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको और आपका वीडियो प्रमोट करने से ही मतलब है। तो इसलिए मैं वापस से समझा रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो मैंने अपना गूगल एड्स खोल के रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे पैसे कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आना है। उसके बाद आपको ऊपर में समरी मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फंड ऐड नहीं करूंगा, तो आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना जो पैसे है उसे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये ऐड कर सकते हो। आप चाहे तो अपना जो पेमेंट तरीका उसे चेंज भी कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हो। तो आप लोग ध्यान रख रहे कि आपको मिनिमम 500 रुपये करना ही है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मैं पैसे ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करना है, तो फिर ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे में आके वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, सिंपली वीडियो में रहने देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो सबसे पहले आपको आपका वीडियो का टाइप दिखाएगा, मतलब आपका जो एड का टाइप क्या है। हमारा वीडियो कैंपेन है इसलिए यहाँ पे वीडियो कैंपेन दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैंपेन का नेम दिखा रहा है, आप चाहे तो ऐसा जगह चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डेट पे रहने देता हूँ ताकि मुझे पता चलेगा किस डेट पे मैंने कौन सा ऐड लगाया है। उसके बाद नीचे आता है बिड स्ट्रेटजी, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आता है आपका बजट एंड डेट, तो इसमें मैं बजट बिल्कुल भी कम ही लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप लोगों ने देखा है। तो मैं यहाँ पे 0.1 लगा दिया क्योंकि मेरे पास 0.19 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो ये 22 मार्च को मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको मैं 23 मार्च तक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको वापस ऊपर कर देता हूँ, ये एक दिन में 0.5 रुपीज़ कटेगा। मैं ये ऐड बाद में रिमूव कर दूंगा, बस आपको दिखाने के लिए मैं ये ऐड लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क्स में ये नीचे वाले ऑप्शन को अनटिक कर देना है और इसको वापस से ऊपर कर देना है। उसके बाद लोकेशन में आप चाहे तो कोई भी लोकेशन डाल सकते हो, मैंने फिलहाल इंडिया करके रखा है। उसके बाद लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो मैंने अभी 3 लैंग्वेज ऐड किया है, आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। फिर रिलेटेड वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो ऐसे रिलेटेड वीडियो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप मिनिमम 2 वीडियो ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप 2 ही वीडियो ऐड कर सकते हो। तो इसको आप सबको वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो मल्टी फॉर्मेट एड्स, तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे ऑन करके रखोगे तो आपका जो वीडियो है वो हर फॉर्मेट पे दिखाई जाएगा, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब स्कीपेबल हो सकता है, इंस्टीम ऐड हो सकता है। फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया क्योंकि कुछ कुछ एड्स काफी महंगे होते हैं, लेकिन मैं सबसे सस्ता वाला ऐड लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अनटिक कर दिया है। और इसमें हम लोग शॉर्ट्स में ऐड नहीं लगा सकते, आप लोगों को पता है शॉर्ट्स में भी ऐड आता है, तो अगर आप इसे अनटिक करोगे तो आप इसमें शॉर्ट्स पे ऐड नहीं लगा सकते। और मैं इसको अनटिक करके रखूंगा और आपको भी बोलूंगा इसे अनटिक करके रखो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो। तो फिर आता है एडिशनल सेटिंग, इसमें भी कुछ कुछ चीजें जैसे डिवाइसेस है, आप चाहे तो ऐसे कोई भी डिवाइस ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल डिवाइसेस ही रखता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से स्पेसिफिक डिवाइस टारगेट कर सकते हो, यहाँ से कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट। फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं करा है, सभी को रख दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैपिंग में, इसका मतलब होता है आप एक ही यूजर को अपनी वीडियो को कितनी बार दिखाना चाहते हो। जो पहला वाला जो ऑप्शन है कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है एक ही मतलब यूजर को, मतलब कोई एक ही इंसान को आप कितनी बार अपने वीडियो का इंप्रेशन डालना चाहते हो। तो यहाँ से अगर आप टिक करोगे तो इससे आप मतलब अपने वीडियो का जो इंप्रेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हो कि इस इंसान को इतना ही इंप्रेशन दिखाया जाए। ये जो अगला ऑप्शन है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है मान लीजिए किसी एक मतलब इंसान ने आपका वीडियो को क्लिक करके देख लिया है, तो अगर दोबारा आपको वहाँ पे ऐड दिखाया जाए उसके बाद तो वो नहीं दिखेगा, जिससे कि आपको ऐड का तो पैसा लगेगा लेकिन वो वीडियो दिखेगा नहीं। इसलिए अगर आप इस टिक करके मतलब इसको सेट कर दोगे तो आपका जो ऐड है वो जो व्यक्ति ने एक बार देख लिया उसको वापस नहीं दिखाएगा, जिससे कि आपका जो ऐड है वो अलग अलग इंसान के पास जाएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, ज़्यादा रीच मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप टिक करके यहाँ से चेक कर मतलब इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसे सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ।
उसके बाद आपका एड शेड्यूल, इसमें आप अपने एड को शेड्यूल कर सकते हो कि कितना बजे से कितना बजे तक आपका एड चलेगा और कब ऑफ होगा। फिलहाल मैंने ऑल डे करके रखा है, और ये जो थर्ड पार्टी मेजरमेंट, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ देना। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपके ऐड का ग्रुप का नाम है, जैसे आपका वीडियो में प्लेलिस्ट होता है तो इसमें वो ऐड तो उसका जो ग्रुप है वो आता है। तो यहाँ पे ऑडियंस नेम जो है इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इसको आपको लीव ही कर देना है। उसके बाद जो डेमोग्राफी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डेमोग्राफी में ध्यान देना है। तो डेमोग्राफी मतलब आप किनको किनको अपना वीडियो दिखाना चाहते हो। फिर मैंने सभी में करके रखा है, फीमेल मेल अननोन, और मैंने एज भी देख के रखा है। आप चाहे तो यहाँ से आंटी का टिक कर सकते हो, आप यहाँ से एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने सभी को देख के रखा है। अभी जो ये इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी है, इसमें आपको अपना जो मतलब वीडियो का टॉपिक है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करके मतलब अपना जो टॉपिक है उसको डाल सकते हो। फिर मैंने पहले गेमिंग के वीडियो प्रमोट की थी इसलिए यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है, लेकिन आप चाहे तो आपका वीडियो जिस भी रिलेटेड है उसके हिसाब से आप सर्च करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आ चुके हैं, आप यहाँ ब्राउज में जाके काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे गेमिंग का ही दिखा रहा है क्योंकि मैं ज़्यादातर गेमिंग के वीडियो को मैंने प्रमोट किया था। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो ब्राउज दिख रहा है इसमें चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हर तरह का कैटेगरी मिल जाएगा, आप चाहे तो इनको यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर आता है योर डाटा, इसको छोड़ देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अगर आप छोड़ दोगे तब भी आपका ऐड चल जाएगा। तो उसके बाद इसको ऊपर कर देना। अभी नेक्स्ट जो आता है एडिशन है ऑडियंस सेगमेंट, इसको भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने देना है। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ खास चीज़ों के लिए होता है, इसलिए आप इन सबको आपको छोड़ देना है। अभी आता है आपका ऑडियंस एक्सपेंशन, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, इससे के बिना भी आपका जो ऐड है वो चल जाएगा। अभी आता है कीवर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कीवर्ड सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपका वीडियो जिस भी रिलेटेड है उसके हिसाब से आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे माइनक्राफ्ट सर्च किया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो माइनक्राफ्ट का काफ़ी सारा कीवर्ड आ चुका है। तो आप यहाँ पे ऐड ऑल आइडियाज़ पे क्लिक करके अपने कीवर्ड्स को इस लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं कोई भी मतलब क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपना वीडियो का टॉपिक ऐसे सर्च करके डाल सकते हो, जैसे आपका टॉपिक किसके रिलेटेड है, फैशन है, गेम्स है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने गेम्स के काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, इसलिए गेम्स दिखा रहा है। बाकी आपको यहाँ पे आर्ट्स, फाइनेंस, होम, न्यूज़ सभी के मिल जाएंगे, आप चाहे तो ऐसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ खास प्लेसमेंट है। जैसे आप किसी वीडियो में अपना ऐड लगाना चाहते हो, मान लीजिए किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो है तो उस वीडियो में आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। आप लोगों ने देखा है कि किसी भी यूट्यूब वीडियो को चलते चलते इसमें किसी दूसरे मतलब वीडियो का ऐड आ जाता है, तो वही है ये। तो आप बस उस वीडियो का यहाँ पे URL डाल सकते हो जिस वीडियो में अपना ऐड रन करना चाहते हो, तो उसमें ये जो है वीडियो आपका जो ऐड है वो रन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ना आपको जो ऊपर में मैंने ऑफ किया था डिस्प्ले नेटवर्क वाला, उसको ऑन करना है, उसके बाद ही ये चलेगा, उसके बिना ये नहीं चलेगा। और ये ना आप मत करो क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे होते हैं, पैसे लगते हैं, मतलब काफ़ी महंगा होता है ये एड्स। और कोई भी मतलब इंसान का अगर कोई दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख रहा है तो उस वीडियो को छोड़ के वो आपकी वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। बाकी जो चीज़ें उनका आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको ध्यान मत दो, उनको स्किप कर दो। अभी आता है आपका वीडियो का URL पेस्ट करना। तो अभी आपको यहाँ पे आप जो भी अपना वीडियो प्रमोट करोगे उसका आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। तो मैं फटाफट से लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था 10 इंपॉर्टेंट यूट्यूब सेटिंग्स, तो मैं इसी का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं फटाफट से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाकर पेस्ट करूंगा, तो ये वीडियो आ जाएगा आपको यहाँ पे देखना। तो आप लोग देख सकते हो ये जो वीडियो आ चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक स्किपेबल इंस्टीमेट और दूसरा इनफीड वीडियो ऐड। तो आपको इनफीड वीडियो ऐड में क्लिक करना है क्योंकि वो जो इनस्किपेबल इंस्टीमेट है काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद आपका थंबनेल ऑटोमेटिक सेट हो गया। आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। अब जैसा आप देख रहे हो ना ये मोबाइल में ऐसे ही दिखाएगा, आपके यहाँ पे ऐड ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइन लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 इंपॉर्टेंट यूट्यूब सेटिंग्स, में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो सबसे पहला आपका टाइटल है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन जो लिखना है ना उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे सब्सक्राइब वगैरह। तो डिस्क्रिप्शन 1 में मैं लिख देता हूँ यू नीड टू नो, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये टोटल आ जाएगा 10 इंपॉर्टेंट यूट्यूब सेटिंग्स यू नीड टू नो। आप यहाँ पर राइट साइड में देखना ये किस तरह से दिखाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है यू नीड टू नो, तो मैं यू का स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन 2 मैं लिख देता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। और इसमें आप लोग ध्यान रखना, इसमें आप कैपिटल लेटर यूज़ मत करना, मतलब वर्ड के पहले आप कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा ही कैपिटल में लिख दोगे ना तो ये इनवैलिड दिखाएगा, पूरा कैपिटल में ये ऐड मतलब ये डिस्क्रिप्शन नहीं लेगा। उसके बाद ये ऐड क्रिएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है इतना। तो इसको मैं सिंपली ऊपर कर देता हूँ। तो उसके बाद अभी आता है बिट, तो आपको ना हमेशा लो से बिट लगाना है, जैसे कि आपका 0.01 से स्टार्ट करके 0.09 या 0.1 तक जाना है, इससे ऊपर आप बिट मत करना वरना आपका काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो यही सबसे आसान तरीका है।
तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उसी तरह से आपका पैसे, उसी तरह से आपका जो वीडियो का रीच जाएगा। तो फिलहाल तो मैं आपको कहूँगा कि 0.8 या 9 के अगर आसपास रखोगे ना, तो 0.08 या 0.9 के आसपास रखोगे या फिर 0.1 भी रखोगे, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 रुपये लगाया है और 0.1 के हिसाब से चल रहा है तो आपको लगभग 100 व्यूज़ मिलेंगे, मतलब 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो आपको 1000 व्यूज़ मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 1 लाख रुपये लगाओगे आपको 10 लाख व्यूज़ मिलेंगे। तो वो आप लोग देख लेना आपको किस तरह से व्यूज़ चाहिए। तो बीट सेट करने के बाद मैं फिलहाल ज़्यादा हाई बीट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो आप लोगों ने देखा ही कि मेरे पास बैलेंस नहीं है अभी, फिलहाल मैंने पैसे ऐड नहीं किए, मैं बस आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बस उसके बाद आपको क्रिएट ए कैंपेन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आपका दिखाएगा कंग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो कैंपेन है वो रेडी हो चुका है और कुछ ही देर बाद आपका ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे होम पेज में दिखा रहा है योर एड ग्रुप आर अंडर रिव्यू, यानी कि ये पहले आपका जो जो वीडियो है उसको रिव्यू करेगा कि आपके वीडियो में कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, मतलब कोई स्लैंग वर्ड, कोई मतलब एडल्ट कंटेंट तो नहीं है आपका। अगर मतलब कंटेंट एकदम जेन्युइन होगा तो ऐड डालना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बार जब व्यूज़ पे चला जाएगा तब आपका ऐड रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप लोग कुछ कुछ देख सकते हो जैसे ऑल कैंपेन डायग्नोस्टिक, यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है, कैंपेन बजट भी एक्टिव है, बिलिंग स्टेट भी एक्टिव है, बिलिंग स्ट्रेटेजी भी एक्टिव है, साथ में जो कैंपेन पॉलिसी रिव्यू है ना ये ब्लू कलर के डॉट में आ रहा है क्योंकि अभी रिव्यू हो रहा है। जैसे ये रिव्यू हो जाएगा तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो मतलब उसको प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ना मैं एक और आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं। तो उस भाई ने मुझे बताया था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं वापस से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं वापस से कैंपेन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट द गोल्डन गाइडलाइन में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं वीडियो में क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो उसके बाद वापस से वही पेज खुल चुका है जहाँ पे आप ऐड वगैरह लगा सकते हो। तो मैंने जो जो आपको तरीका बताया उसी को अगर आप वापस से अप्लाई करोगे तो आपका जो दूसरा ऐड है वो भी रन हो जाएगा। इसमें मतलब कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आप कम ही ऐड लगा सकते हो, आप चाहे तो एक के बाद एक बहुत सारे ऐड लगा सकते हो। तो मैंने जो तरीका बताया है उससे आप मतलब बहुत सारे ऐड लगा सकते हो। तो जिस भी भाई ने मुझे कमेंट किया था तो आप लोग को शायद समझ में आ चुका है कि आप यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने जो जो आपको स्टेप बताया है अगर आप उन स्टेप को फॉलो करोगे तो आप मतलब एक से ज़्यादा ऐड लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको जानना भी ज़रूरत नहीं है। आपके वीडियो में ऐड के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं सभी आपको बता दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो बस आपको इसी तरह से ऐड लगाना है और वीडियो को प्रमोट करना है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो में एम करता हूँ बस 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से लाइक्स कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर वीडियो आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।